हाय, वेलकम टू मोबाइल रिपेयरिंग ट्यूटोरियल। आज हम सैमसंग गैलेक्सी टैब 3 T113 डिसम्बली करेंगे। ये देखो, बाहर एक स्क्रू भी नहीं है। ये कैसे ओपन करेंगे मैं बोलेगा, पहले हम डिस्प्ले खोलना पड़ेगा। देखो, उसके लिए देखो, चार्जिंग कनेक्टर और हैंड फ्री कनेक्टर दोनों है। ये दोनों को ऊपर ब्लेड अंदर जाएगा, दूसरा जगह अंदर ब्लेड नहीं जाएगा। अभी हम तीन सेट में गम निकालना है, लूज़ करना है। देखो, ऐसा प्लास्टिक टूल से खींचना है, एक पाँच छः छः बार ऐसा खींचा तो टच और पैनल का बीच में एक गैप आ जाएगा। गम से थोड़ा लूज हो जाएगा। देखो, ऐसा खींचना है, प्लास्टिक टूल से ऐसा खींचना है, तीन सेट खींचना है, एक सेट छोड़ना है। क्यों बोल दिया? तो उधर डिस्प्ले कनेक्शन का स्ट्रिप है, वो कट हो जाएगा। अभी देखो, थोड़ा थिकनेस ज़्यादा वाला प्लास्टिक टूल से भी थोड़ा गैप बना सकता है। और ये वीडियो थोड़ा ये काम थोड़ा मुश्किल है, इसके लिए ये वीडियो फुल देखने के बाद आप काम शुरू करना है, नहीं तो फोन खराब हो जाएगा। क्यों बोल दिया? तो इसमें बहुत लॉकिंग सिस्टम है और स्ट्रिप स्ट्रिप कनेक्शन से। इसके लिए देखो, पहले हम चार्जिंग कनेक्टर के ऊपर ब्लेड लगाया, उसके बाद चार्जिंग कनेक्टर का आसपास का गम सब हम निकालना है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग डबल से टैप से फिक्स कर दिया है, इसके लिए वो डबल से टैप हम ऐसा निकालना है। ब्लेड शार्प कम वाला यूज़ करना है, नहीं तो पैनल खराब हो जाएगा। पहले ऊपर साइड से शुरू करना है। क्यों बोल दिया? तो उधर ब्लेड लगाने के लिए दो गैप है, एक तो चार्जिंग कनेक्टर के ऊपर, एक तो हैंड फ्री कनेक्टर के ऊपर। अभी मैं हैंड फ्री कनेक्टर के ऊपर वो गैप में ब्लेड लगाया। अभी ऊपर साइड का ऑलमोस्ट हम गम लूज हो गया। अभी सेड का दूसरा सेड का गम निकालना पड़ेगा। देखो, ऐसा वो कॉर्नर का गम निकलना, तो उधर ब्लेड लगाना है। देखो, कॉर्नर का गम निकल गया। उसके बाद हम लॉक लॉक हम खोल सकता है। देखो, खोल दिया है, ऊपर का लॉक भी खोल दिया और डबल से टैप भी
खोल दिया है। अभी देखो शेड, शेड का ऐसा नीचे तक हम गम निकालना है। और ये वीडियो का नीचे नहीं तो शेड में भाई मोबाइल रिपेयरिंग ट्यूटोरियल करके रहेगा, उसमें आप क्लिक किया तो डायरेक्ट ट्यूटोरियल चैनल में जाएगा। ट्यूटोरियल चैनल में बहुत ट्यूटोरियल वीडियोस है, वो सब आपको देख सकता है और लाइक कर सकता है और शेयर कर सकता है, और कुछ डाउट है तो कमेंट भी दे सकता है। अभी देखो ये साइड में टच स्क्रीन का स्ट्रिप है, वॉल्यूम बटन का नीचे डाउन बटन है ना, वो उधर आएगा। वो इसके लिए ब्लेड उधर लगाने का टाइम थोड़ा ध्यान से डालना है। ओके अभी हम देखो नीचे तक गम निकाल दिया, ऑलमोस्ट लॉक्स भी निकाल दिया है। अभी हमको नीचे साइड का गम निकालना पड़ेगा। अभी स्टार्ट करेंगे नीचे सेट का गम। उधर थोड़ा ज़्यादा टाइट रहेगा नीचे सेट का गम, वो भी हम निकालना पड़ेगा। थोड़ा प्लास्टिक टूल से ऐसा खींच के फिर ब्लेड से हमको उसका गम बाहर निकाल सकता है, लॉक भी साथ में निकालना है। और ट्यूटोरियल चैनल में राइट साइड में एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, वो बटन आप प्रेस कर दिया तो आप सब्सक्राइब हो जाएगा। आप सब्सक्राइब होने के बाद ट्यूटोरियल चैनल में जो नया नया ट्यूटोरियल वीडियोस अपडेट होते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको वो फ्री में ट्यूटोरियल वीडियोस देख सकता है। इधर भी लॉक्स सब है, लॉक भी निकालना है गम भी निकालना है। अभी देखो हम ऑलमोस्ट तीन सेट का, दो सेट का फुल निकाल दिया है और नीचे सेट का और थोड़ा गम निकालने का बाकी है बस, वो अभी देखो ऐसा निकल सकता है। अभी देखो ऐसा खोल दिया तो वो शेड का लॉक निकल जाएगा। देखो ऐसा उधर एक बड़ा लॉक है, वो भी निकल गया। अभी हमको इधर गम गम स्टिकर ऐसा कट कर सकता है ब्लेड से, थोड़ा ऐसा कट करके फिर हमको उधर से अच्छा से मिल जाएगा। कोई ऐसा नहीं मिल रहा है, इसके लिए हम
ऐसा उठा के देखो, ऐसा रख के निकाल सकता है। ये गम निकालने का टाइम ध्यान रहना, एलसीडी का स्ट्रिप वो साइड में है, कट नहीं करना। देखो आ गया है, अभी दो पार्ट हो गया, एक फ्रेम, एक बैक पैनल है, एक तो फ्रेम एलसीडी टच और मदरबोर्ड बैटरी सब एक ही सेट। ये बैक कवर, ये फुल सेट। अभी इसका मदरबोर्ड कैसे निकालेंगे बोल दे तो, पहले बैटरी कनेक्शन निकाल दिया, फिर नीचे का जा रहे वो स्ट्रिप कनेक्शन निकालना है। देखो ऊपर का पेपर था, वो पेपर निकाल दिया, कनेक्टर ओपन करके ऐसा नीचे खींचा तो वो स्ट्रिप बाहर आ जाएगा। अभी ये टच का स्ट्रिप, ये एलसीडी का स्ट्रिप, ये तीन चार स्ट्रिप निकालने के बाद स्क्रू है, एक स्क्रू इधर है वो निकाल रहा है, और एक स्क्रू ये है एंटीना का ऊपर, और एक इधर है। और एक ये स्क्रू है, और एक कैन फ्री कनेक्टर का स्क्रू, वो भी है एंड फ्री कनेक्टर का स्क्रू, और लास्ट बोर्ड में इतना स्क्रू हम निकालने के बाद एंटीना पहले निकालना पड़ेगा। इधर एक लॉक है, वो लॉक खोल दिया तो देखो, वो लॉक है, लॉक खोल दिया तो एंटीना निकल जाएगा। उसके बाद चार्जिंग कनेक्टर का ऊपर एक प्लेट है स्टील का, उसको भी लॉक है, वो लॉक का ऐसा खोल सकता है। अभी हम बोर्ड ऊपर खींचता तो ऊपर बोर्ड आ जाएगा।